नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। झीलवाड़ा गांव में बुधवार सुबह 80 वर्षीय पति के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर सुनकर 72 वर्षीय बादामी देवी जैन की सदमे से मौत हो गई। उनके पॉजिटिव पति को पत्नी के निधन की सूचना देर शाम तक नहीं दी है। पॉजिटिव व्यक्ति को कस्बे के हिमाचल सूरी कोविड केयर यूनिट में भर्ती किया गया है। बताया गया है कि बादामी देवी अपने परिवार के साथ सुबह घर पर थी। इस दौरान करीब 8 बजे अस्पताल से उनके पति के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई। खबर सुनते ही बादामी देवी बेसुध हो गई। इस पर परिवार वालों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस से उन्हें कस्बे के अस्पताल ले जाया गया, जहां करीब 8:30 बजे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रयोगशाला सहायक सुमन शर्मा ने उनका सैंपल लिया। महिला की मौत के कुछ देर बाद अस्पताल प्रशासन उनके पॉजिटिव पति को अस्पताल ले आया तथा इलाज शुरू कर दिया। दंपति, उनका बेटा, 4 पोते तथा पोतियां 6 जुलाई को ही मुंबई से आए थे। सभी का होम क्वारंटाइन कर रखा था। 13 जुलाई को महिला के 80 वर्षीय पति सहित परिवार के सदस्यों का सैंपल लेकर जांच करवाई। सुबह बुजुर्ग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस पर बुजुर्ग से पहले उनकी पत्नी को अस्पताल ले गए। महिला के 5 बेटे मुंबई में हैं। इस कारण दाह संस्कार उनके आने पर गुरुवार को किया जाएगा। शव 4 भुजा CHC पर रखवाया गया है। शव अस्पताल से सीधे मोक्ष धाम ही ले जाएंगे। महिला के पति हार्ट, शुगर, डायबिटीज के मरीज हैं। ऐसे में उनको पत्नी के निधन की जानकारी नहीं दी गई है। डॉक्टरों ने परिवार वालों को जल्द दाह संस्कार करने की बात कही, लेकिन महिला के बेटे परिवार के लोगों के मुंबई से आने को देखते हुए शव अस्पताल की मोर्चरी में ही रखवाया है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।